प्राइवेट सिक्योरिटी एसोसिएशन संघ के अध्यक्ष ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए पदाधिकारियों ने बताया कि प्राइवेट सिक्योरिटी एक्ट 2005 के अंतर्गत कोई भी सुरक्षा गार्ड किसी भी सरकारी तथा निजी संस्थानों में नियुक्त करने एवं कराने के लिए, उनकी सेवाएं लेने के लिए प्राइवेट सिक्योरिटी एक्ट 2005 के तहत लाइसेंस लेना अनिवार्य है। जो भी प्राइवेट सिक्योरिटी 2005 के एक्ट के तहत लाइसेंस नहीं लिया है, वह सिक्योरिटी नहीं चला सकते। नियम के मुताबिक उनके खिलाफ कार्यवाही होगी। उन्होंने बताया कि जिले में बहुत सारे निजी संस्थान, व्यापारिक संस्थान द्वारा वर्दी पहनाकर स्वयं का गार्ड रखा जाता है, जो कि नियम के विपरीत है। सभी सिक्योरिटी एजेंसियों को आगाह करते हुए कहा कि 15 दिवस के अंदर सभी अपना लाइसेंस बनवा लें, अन्यथा उनके खिलाफ एसोसिएशन एक अभियान चलाकर कार्यवाही के लिए प्रशासन को सौंपा जाएगा। आज यहां पर प्राइवेट सिक्योरिटी एसोसिएशन संचालक कल्याण संघ का एक एसोसिएशन का, रीवा में जितने भी सिक्योरिटी संचालक है सभी लोगों ने एक एसोसिएशन बनाया है, और एसोसिएशन बना करके हम लोग इस रीवा ज़िले में प्राइवेट सिक्योरिटी को चलाएंगे, क्योंकि यहाँ अलीगल तरीके से बहुत सारी एजेंसियाँ और बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, उनको किसी भी तरीके से बंद करना है। और सिक्योरिटी संचालकों का जो ये संघ है और जो एसोसिएशन है, उस हिसाब से आगे उन लोगों को काम करना है। सब लोगों को एक होकर के काम करने के लिए, सभी संचालकों को एक करने के लिए हमने ये एसोसिएशन बनाया है। उसी लिए आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई हुई है कि हम इस विषय में जानकारियाँ दे सकें, और दूर दूर के लोगों को और यहाँ के बड़े संस्थानों में ये जानकारी प्राप्त हो सके कि सभी सिक्योरिटी संचालक एक होकर के रीवा में सुरक्षा व्यवस्था अच्छी तरीके से करें। अलीगल कैसे सिक्योरिटी कैसे बताया जाए कि अलीगल 2005 अधिनियम के तहत एक सिक्योरिटी का लाइसेंस बनता है जो भोपाल वल्लभ भवन से प्राप्त होता है गृह मंत्रालय के द्वारा। जिनके पास वो लाइसेंस है उसे पसारा बोलते हैं। 2005 अधिनियम के तहत वो बनता है। उस लाइसेंस लेकर के जो व्यक्ति काम करते हैं वो लीगल हैं, और जो बिना पसारा के लाइसेंस के काम करते हैं वो टोटल अनलीगल है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि श्रम विभाग से एक इस्टेब्लिशमेंट का रजिस्ट्रेशन कराते हैं और सिक्योरिटी का लोगो लगा करके और वर्दी पहना देते हैं। वर्दी तो किसी भी कलर की हो सकती है, लाल, पीली, हरी, नीली, किसी भी तरीके की वर्दी पहना करके सिक्योरिटी गार्ड लगा दिए, बोले 8,000 रुपये लो और हमको गार्ड दे दीजिए। कोई भी संस्थान वाले लोग ले लेते हैं गार्ड। वो कभी भी किसी भी संस्थान के लोग ये नहीं पूछते हैं कि आपके पास सिक्योरिटी चलाने का कोई लाइसेंस है क्या। वो तो ये जानते हैं कि ये सिक्योरिटी संचालक ही है, सिक्योरिटी गार्ड दे रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था दे रहे हैं, आप हमको गार्ड दे दीजिए। उन्होंने वर्दी लगवाया, गार्ड खड़ा कर दिया, गार्ड विसिल बजाने लगा। आप उनसे पूछिए प्रॉपर तरीके से कि आपके पास कौन कौन से पेपर हैं सिक्योरिटी चलाने के लिए, आपके पास सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स हैं कि नहीं है। हमारा गार्ड सिक्योरिटी का लाइसेंस होता है पहला डॉक्यूमेंट, दूसरा एस्टेब्लिशमेंट जो श्रम विभाग से बनता है, तीसरा होता है ईपीएफ का रजिस्ट्रेशन जिससे गार्ड का बीमा होता है प्रॉपर तरीके से, और उसके भविष्य निधि के हिसाब से उसके फंड एक अलग से अकाउंट खुलता है, उसमें फंड में पैसे जमा होते हैं, तब तो वो गार्ड रजिस्टर्ड होता है। अभी कोई भी गार्ड का हमने ले लिया, बुला लिया, कहीं खड़ा कर दिया और वो गार्ड ड्यूटी करने लगा, उसके ऊपर किसी भी प्रकार की दिक्कत हो गई तो हम उसका जवाब देते देते परेशान हो जाते हैं। युवा में या कई जगह पे खुद का सिक्योरिटी लोग लगा देते हैं, ये खुद का ये और वो उसके पास कुछ भी नहीं होता है, ना उसका कोई लाइसेंस होता है, ना कोई वेरिफिकेशन होता है, ना उसको इसकी जो रूल्स है, इसका जो क्राइटेरिया है, ट्रेनिंग होती है, इसकी सब कुछ भी नहीं होता उनके पास। और जब चोरी होता है तो नाम खराब होता है सबका, कि सब एजेंसी वाले सिक्योरिटी एजेंसी के लोगों के वॉचमैन ने चोरी किया, तो इसमें क्या होता है कि नाम खराब होता है, प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं होती। हमारा जो सिक्योरिटी वाला का कोई क्राइम का आदमी है, कोई गुंडा है या कोई चोर है, हमारा सिक्योरिटी वाला हिम्मत करता है कि पुलिस को फोन करेगा, हमको फोन करेगा, अपने संचालक को फोन करेगा, तो उसको ताकत देती है, हम लोग कंपनी से ताकत मिलती है। हमारा ग्रुप हमारे पास 100-200 जो जिसके पास आदमी है, हमारे पीछे रात को पेट्रोलिंग होती है, रात हमारे ऑफिसर पेट्रोलिंग करते हैं, तो गार्ड पे हिम्मत रहती है कि कोई रात बिरात अगर आए तो हमारा रात के पेट्रोलिंग ऑफिसर तुरंत पहुंच जाएगा, जैसे पुलिस की पेट्रोलिंग होती है, तो हम लोग भी ऐसे पेट्रोलिंग का सिस्टम रखे हुए हैं।